साथियों गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ड्यूअल स्टार्टर का मैं दूसरा लेसन बना रहा हूँ, उसका कंटिन्यूइंग पार्ट बना रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसका जो पावर डायग्राम है उसको कैसे रीड करना है, मैंने फिर से बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। 3 फेज वायर है, बस वायर है, उससे वायरिंग हुई है जो कि आइसोलेटर तक आ रही है। आइसोलेटर ऑन हुआ, K1 तक आ रहा है, K1 ऑन होगा, आपका ओवरलोड से होते हुए मोटर को पावर चली जाएगी। फ्यूज सर्किट के ठीक बगल में हमारा Q4 लगा हुआ है, सिंगल फेज प्रिवेंटर। इसकी रेटिंग कम है, इसलिए यदि कोई सा भी एक फ्यूज उड़ता है यानी ब्लो हो जाता है तो इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो होकर इसके थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि ये पैरेलल में उसके लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, इसकी रेटिंग कम है तो ये ट्रिप कर देगा, और उसका जो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज हुआ है ट्रिपिंग सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में, ट्रिप करने के लिए या फिर लाइन में बनाए रखने के लिए, तो हमारा जो मोटर है सिंगल फेज होने से बच जाएगा। आज हम जानेंगे इसका कंट्रोल सर्किट कैसे वर्क करता है। कंट्रोल सर्किट में भी सेम देखो आप, 201, 202, 203, 204 इस तरह पेज में नंबरिंग दी हुई है कॉलम की तरह। तो उससे हमें क्या फायदा होता है, क्या जानने को मिलता है कि कोई सा एक सर्किट का एक पार्ट वो किस उस पेज पे किस नंबर पे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये एमीटर के लिए 24-25 में वायरिंग आई है ना, कहाँ से आई है वो हमें यहाँ पे देखने पे मिलेगा L102 101, ये इसका नंबर है जो कि मिलेगा 104 नंबर कॉलम में। तो यहाँ तो 201 से लेकर 208 तक है, 104 में अगर आप देखेंगे ये है 104, उसके ठीक नीचे में आपको ये लाइन आपको मिल रही है। तो ड्राइंग को इस तरह से हम समझते हैं, आगे देखते हैं। K1 कॉन्टैक्टर हमें पकड़ाना, हमारा जो मेन टारगेट है वो K1 कॉन्टैक्टर है। K1 कॉन्टैक्टर यदि पकड़ लिया तो हमारा मोटर चार्ज हो जाएगा, यानी उसको पावर चली जाएगी और मोटर रन करने लगेगा। तो K1 कॉन्टैक्टर कब किस कंडीशन में होल्ड होना है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, कभी भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ोगे पैनल में तो हमेशा पीछे से पढ़िए, बिल्कुल आगे से नहीं कि कहाँ से सप्लाई आ रही है फिर कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं। कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, पावर जो है वो ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, कंट्रोल में आप पीछे से देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यूं ही। जैसे K1 कॉन्टैक्टर, तो मोटर का स्टार्ट स्टॉप के लिए ये कॉन्टैक्टर मेन यूज हुआ है ना, मेन कॉन्टैक्टर। तो सीधी सी बात है, K1 का देखिए आप, ये एक NO कॉन्टैक्ट रेड बटन में यूज हुआ है, रेड लाइट में। ग्रीन लाइट में K1 का ही NC कॉन्टैक्ट यूज हुआ है, यानी जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं किया हुआ है तो उसका जो NC कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू फेज सप्लाई आगे मिल रही है ग्रीन बत्ती को, और न्यूट्रल तो ऑलरेडी कनेक्ट है पैरेलल में सबके इस तरह। उसी तरह ओवरलोड के लिए भी है, ओवरलोड का ये कॉन्टैक्ट लाइन में कब आएगा, जब ओवरलोड एक्ट कर जाएगा, हाई करंट ड्रॉ होने पे ओवरलोड की जो सेटिंग होती है उससे जब एक्सीड करने पे वो ओवरलोड अपना कंट्रोल ऑपरेट कर देगा। जब कंट्रोल ऑपरेट होगा तो क्या होगा, उसका एक कॉन्टैक्ट जो है यह लाइट को जलाने के काम आएगा, ताकि दूर से ही पता चल जाए पैनल में कि ओवरलोड एक्ट हुआ है। तो उसके लिए उसका एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट यानी NO कॉन्टैक्ट, यहाँ पे उसकी नंबरिंग भी है 97, 98, हर ओवरलोड में आपको यही नंबर मिलेगा 97, 98, 95, 96 जो है वो कंट्रोल सर्किट को हेल्दी रखने के लिए, और 97, 98 जो है वो इंडिकेटर के लिए यूज होता है। देखो आप इसमें भी ओवरलोड के नीचे 102 लिखा है ना, K1 के नीचे 301 लिखा हुआ ना, तो 301 तो यही है अपना, 301 के ठीक नीचे आपका K1 मिल जाएगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई रिले किस लोकेशन पे है पेज में, ड्राइंग में, वो हमें इन नंबर्स के थ्रू पता चल जाता है। इंडस्ट्री में आपको ड्राइंग इसी तरह से मिलेंगी,
क्योंकि इंडस्ट्री में जो ड्राइंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, सर्किट बहुत ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्स होता है। तो K1 जैसे ही पकड़ेगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो हमारी लाल बत्ती जलेगी। जब पकड़ेगा तो ये भी वापस छोड़ देगा, ये ओपन हो जाएगा, तो हमारी ग्रीन बत्ती, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। और ओवरलोड एक्ट होने पर तो हमारा ये ट्रिप अम्बर लाइट जो है वो जलने लगेगा। ये उसके फेरुल्स हैं तार में, उसकी जो वायरिंग है उसमें अगर आप देखोगे तो पीले पीले रंग के जो छल्ले रहते हैं उसमें नंबरिंग होती है, फेरुल कहते हैं उसको। उसको देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वायरिंग किस चीज़ की है। वो जो वायरिंग है उसमें जो जो फेरुल छल्ले लगे होते हैं येलो कलर के, उनको फेरुल बोलते हैं। आगे देखिए, K1 कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए यानी उसको एनर्जाइज करने के लिए K42 का कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। K42 का कॉन्टैक्ट यूज हुआ है यानी K42 यदि हमारा पकड़ लिया तो K1 भी एनर्जाइज हो जाएगा। अब ये K42 कहाँ है? 208 है, 208 है। तो ये 208 ये रहा 208, इसी के ठीक नीचे हमें मिलेगा K42। तो K42 क्या है? K42 कब एनर्जाइज होगी हमारी? जब K41 का एक एनो कॉन्टैक्ट वो क्लोज हो जाएगा। अब ये K41 कहाँ पे है बताओ आप, नंबर देख के देखिए 206, ठीक है 206 नंबर में K41 मिलेगा। अगर वो एनर्जाइज होगा तो हमारा ये कॉन्टैक्ट भी लाइन में आ जाएगा। तब तो हम देखते हैं 206 में K41 है या नहीं। ये रहा 206 और उसके ठीक नीचे K41 है। ओके, K41 को रास्ते में क्या क्या पड़ रहा है? MCC का ही स्टॉप बटन। ओके, MCC बटन सॉरी स्टार्ट और स्टॉप बटन जनरली जितने भी होते हैं हमारे इंडस्ट्री में उसमें सब स्प्रिंग सिस्टम लगे होते हैं। यानी ये स्टॉप बटन यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना के रखा है, आपको फिगर में भी देखने पे समझ में आ रहा है ये दोनों के बीच वो कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है। ओके, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा, यानी यहाँ जी सप्लाई रहेगी वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा वो सर्किट बंद हो जाएगा, वो मोटर बंद हो जाएगी। तो इसको जैसे आप वापस छोड़िएगा तो वापस इसी कंडीशन में ये बटन वापस पुल बैक कर जाएगी। तो ये हमारा ठीक है, स्टॉप बटन किसी ने मारा नहीं है। तो उसके बाद कौन सा एक और मिल रहा है लाइन में? ब्रेक Q4। Q4 क्या है? Q4 भी अगर आप देखोगे ड्राइंग में तो उसके ठीक नीचे में ये नंबर पड़े हुए हैं 103 में ये मिलेगा Q4। 103 यहाँ पे है कहीं पे? नहीं, क्योंकि 201 से लेकर 208 तक है, लास्ट पेज 103 ये रहा। 103 के ठीक नीचे हमारा मिल गया ये Q4, दिख रहा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्यूज के ठीक पैरेलल में ये फ्यूज प्रिवेंटर रिले जो है वो लगा हुआ है, तो जब हम इसको ऑन रखते हैं तो ये कॉन्टैक्ट भी लाइन में आ जाएगा, तो ये भी हमारा लाइन में ही रहेगा। उसके बाद ये लाइन आपकी वायरिंग फिर यहाँ से लेकर स्टॉप बटन से होती हुई यहाँ पे आ रही है। ओवरलोड का जो कॉन्टैक्ट है वो लाइन में रहेगा। ओवरलोड अगर नॉर्मल है, ओवरलोड नहीं हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट भी लाइन में ही रहेगा। उसके बाद ही सप्लाई हमारी आगे बढ़नी है। तो उसके बाद फिर क्या आया? Q3 में एक ब्रेक पॉइंट मिला हुआ है हमें। Q3 कहाँ है? 102 में आपको मिलेगा। Q3 मिलेगा 102 में। 102 में Q3 ये रहा। ये आइसोलेटर है, उसी के ठीक साथ में एक छोटा सा स्विच होता है, जब ये आइसोलेटर हम ऑन कर देते हैं तो Q3 का ये कॉन्टैक्ट भी
क्लोज हो जाता है, क्लोज मतलब ये जुड़ जाता है, क्लोज मतलब हमेशा कॉन्टैक्ट जुड़ना, ठीक है, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो जुड़ जाएगा, और ओपन मतलब ये ओपन हो जाना, ये अभी ओपन कंडीशन है, क्लोज मतलब ये जो लाइन है, ये स्विच है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो Q3 भी हमारा ठीक है, आइसोलेटर ऑन है, और उसके ऊपर तो ये MCB है, MCB कंट्रोल का, कंट्रोल बस जिस तरह पावर बस होते हैं उसी तरह कंट्रोल की भी एक बस होती है, उसमें 110 वोल्ट रहता है कंट्रोल के लिए, वहाँ से वायरिंग हुई होती है, एक MCB में आती है मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल यानी फीडर के अंदर, उसके बाद उसको ऑन करते ही न्यूट्रल एक एंड से चला गया आपके हर कॉन्टेक्टर में, लाइट में भी चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर में चला गया, ये सब लाइट में भी चले गए, सब पैरेलल में आप कहीं से भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उसी तरह फेज जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारा पूरा सिस्टम रेडी है, K41 पकड़ा है, K41 यदि पकड़ लिया है तो क्या होगा, K41 का ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से आपका फील्ड में स्टार्ट बटन है, स्टार्ट जैसे ही किसी ने दबाया तो ये सप्लाई आगे बढ़ जाएगी, यूं यूं ऐसे 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 K42 एनर्जाइज हो जाएगी, और K42 जैसे ही एनर्जाइज हुआ उसका ये कॉन्टैक्ट लाइन में आ जाएगा, और K1 यानी मेन कॉन्टैक्टर वो एनर्जाइज हो जाएगा, और हमारी मोटर चल पड़ेगी। K1 के एनर्जाइज होते ही ये दोनों अपने अपने पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये जो NO है वो क्लोज हो जाएगा, तो रेड बटन जलने लगेगी, MCC का जो फीडर है उसमें रन इंडिकेशन आ जाएगा, और उसका जो ऑफ वाला कॉन्टैक्ट है वो अपना पोजीशन छोड़ देगा, तो ग्रीन लाइट जो पहले जल रही थी वो ऑफ हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद ये ओवरलोड तो जब एक्ट होगा तभी ये ऑरेंज कलर की लाइट जलेगी। तो यहाँ पे हर चीज़ का अपना अपना फंक्शन है, किसी ने स्टॉप मारा चाहे यहाँ से मारा चाहे यहाँ से मारा, तो किसी ने स्टॉप मारा या फिर Q4 कहाँ गया हमारा, ये फ्यूज यदि एक किसी वजह से फ्यूज उड़ गया तो Q4 काम करेगा और उसका ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएगा, तो K41 छोड़ देगा, K41 छोड़ते ही K42 भी छोड़ देगा, K42 छोड़ते ही K1 भी छोड़ देगा। तो ये कंट्रोल डायग्राम है, इसमें देखो आप तीन सेक्शन है, ये तो मॉड्यूल का सेक्शन हो गया, ये जहाँ पे टीवी नंबर है 3, 4, 5, 12, ये भी है 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 14, 15, ये हिस्सा हमारा फीडर के अंदर होता है, क्योंकि वो फीडर अंदर बाहर होता है, तो उसके ठीक बगल में उसके उस स्पेस में बगल में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि इस कॉन्टैक्ट को मार्शलिंग बॉक्स से जोड़ते हैं। मार्शलिंग बॉक्स क्या है, जितने भी मॉड्यूल हैं जितने भी फीडर हैं वो सारे ड्राइंग सारे कॉन्टैक्ट्स सारी वायरिंग्स एक इंडिविजुअल जगह पे आती है और वहाँ से फिर अपने अपने फील्ड की ओर चले जाती है, और कुछ DCS में चले जाते हैं, ये हुआ DCS का, और ये कंट्रोल JB में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस DCS को हम आज छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। मार्शलिंग बॉक्स और ये CJB, यहाँ तक आप समझिए कि किसी भी मोटर का जो स्टार्ट स्टॉप होता है वो फील्ड में भी होता है
कंट्रोल रूम में भी होता है, और जहाँ पे वो मॉड्यूल लगी हुई, जहाँ पे वो फीडर है, वहाँ पे भी होता है। तीन जगह, ठीक है। तो कम से कम स्टार्ट नहीं भी होगा मॉड्यूल में, यानी जहाँ पे एमसीसी पैनल है, तो भी स्टॉप तो वहाँ पे होना ही है, तो वो स्टॉप बटन यहाँ पे है, फील्ड वाला स्टॉप बटन यहाँ पे है, और स्टार्ट बटन भी है। कभी कभी होता है कि लोकली उसको चलाने के लिए बोला जाता है, तो लोकल में भी उसको स्टार्ट बटन प्रोवाइड कराया जाता है। मैं जब आपको ड्राइंग समझा रहा था तो सर्किट को मैं यूं लेते हुए गया, यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है ना 5 से 12 के बीच। अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी DCS के बगैर हमारा ये मॉड्यूल रन कर रहा है, और फील्ड में जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन लगे हुए हैं वहाँ पे भी एक कनेक्शन JB है, वहाँ पे भी टर्मिनल्स हैं, और वहाँ से फिर लोकल का स्टॉप बटन, लोकल का स्टार्ट बटन, उसकी वायरिंग हुई है। और ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स, मार्शलिंग मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, जितने सारे भी मॉड्यूल होते हैं एक MCC के अंदर, उनकी सारी वायरिंग एक खास जगह पे आती है, जंक्शन है समझो, फिर वहाँ से फिर अपने अपने जहाँ जहाँ उनको फील्ड में दौड़ाया जाता है या फिर DCS को, वहीं से होती है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, DCS का ये एंड मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं कल या परसों फिर इसी ड्राइंग को लेकर आपको बताऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हमें थोड़ा ही समझना है लेकिन अच्छा समझना है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छे से ही समझाऊँ, और मुझे यकीन है कि आप इसको समझ सकते हो। और साथियों, ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइंग आपको समझ में आनी ही चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आप काम कर सकते हैं, नहीं तो बाकी तो वही छोटी मोटी चीज़ें ही आप कर पाओगे। ड्राइंग्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपने कोर्स में ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ये LT ड्राइंग्स है जिसमें DOL हमने पढ़ा, RDOL, फिर PCC की ड्राइंग, PMCC, उसके बाद HT पैनल, उसके बाद रिले पैनल, सिंक्रोनाइजिंग पैनल, बहुत सारे पैनल्स हैं। हम सब में धीरे धीरे करके, भले धीरे लेकिन आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो जितने लोग भी, अगर उनको लगता है जो देख रहे हैं ये वीडियो कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे जुड़ सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको डायरेक्ट लाइव प्लांट की चीज़ें आपको लाइव नज़र आएंगी, टेक्नीशियंस इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं वो देख पाएंगे आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हम नियर फ्यूचर करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी पूरी टीम को फ़ायदा होगा जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।